कमर्शियल पब्लिक चैनल से। दोस्तों एक जमीनी हकीकत आपको बताने जा रहा हूँ कि अभी आजकल जो एक फैशन निकला है भीख मांगने का, कि किसी भी धर्म के हिसाब से उस इलाके में जो भिखारी होते हैं वो भिखारी छोटे बच्चे होते हैं या ऐसे लोग होते हैं जिनके पैर में पोलियो होता है, पोलियो के ऊपर गाड़ी पे उनको एक गाड़ी पे बिठाया जाता है और उसके बाद एक बंदा जो है उनको सिर्फ चलाते रहता है और उसमें एक जो है उसके अंदर एक कैसेट लगाई जाती है जो वो भीख मांगने का काम करता है, मतलब उसके अंदर रिकॉर्डिंग होती है कि भाई ये इसके दिल में छेद है, ये देख नहीं सकता है, इसको बीमारी है, इसको दे दीजिए, इसको किसी तरीके से। तो हम ये हकीकत आपको दिखाने जा रहे हैं जिसे आप दर्द समझ के और एक लाचार मजबूर समझ के जो भीख देते हैं, तो आपकी आंखें मैं खोलना चाहता हूँ इस न्यूज के जरिए से। सलमा करके एक औरत है जो इनसे भीख मंगवाती है और किस कदार पे हमने इसका पूरा हकीकत खोल के रख दिया है कि आप किस कदार पे 200 रुपया रोज का उन बच्चों को सलमा देती है और ये बच्चे कमा के उनको कितना देते हैं। ये बच्चे के मुंह से आप सुनिए कि ये 8 बजे आया था और 9 बजे तक तकरीबन 1500-1600 रुपया वो कमा चुका है। तो सोचिए कि शाम तक कम से कम नहीं बोलेंगे तो 10,000 रुपया तक, 10 से 11,000 रुपया लेके जाते हैं। आइए आप खुद ये हकीकत देखिए और उसके बाद आप खुद फैसला दीजिए कि ऐसे भिखारियों को भीख देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए और आपकी जो हमदर्दी है ऐसे लोगों के साथ हमदर्दी आप अपना जोड़िए ताकि लोगों के वो काम आ सके वो पैसा और वाकई लोग मजबूर हो, ना कि इन जैसे ढोंगियों को आप भीख दें। आइए आप देखिए कि किस तरीके से इस बच्चा अपने मुंह से बयानबाजी कर रहा है। 200 रुपए दाढ़ी पर आए हो और ये कितने रुपए रोज क्या है? ये भी दाढ़ी पर आए भाई, और अगर तुम दाढ़ी पर नहीं आते तो तुम्हारे को जो दाढ़ी से मंगवाता है, कौन मंगवाता है तुम्हारे से भीख? जोर से बोल। सलमा भीख मंगवाती है बेटा, तेरे से कौन मंगवाता है भीख? सलमा। और अगर तुम आते नहीं हो भीख मांगने तो तुम्हारे को क्या मारपीट करते हैं वो? सच्ची जी बता बेटा, मारते हैं? ये बोल रहा मारते, झूठ मत बोल बेटा, मारते तेरे को हैं? मारते? झूठ बोलना, एक सेकंड बेटा, मारते हैं ना? ठीक है, जोर से बोल इधर इसका लो बच्चे को। अगर बेटा तुम भीख मांगने नहीं आते तो तुम्हारे को मारते हैं? जी। मारते हैं? जी। अच्छा तुम ये जो पैसा अभी जो कमाते हो ये सारा का सारा क्या करते हो इन पैसों का? किसको? सलमा को है? कि इस तरीके की तो तेरे को किस तरीके की स्टाइल में बैठने के लिए बोला था? करके बता एक बार, करके बता। सलमान ने क्या वो इस तरीके से बिठाया था तेरे को? और तू ऐसे कब तक बैठा रहता है? तो चार बजे तक, सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक। तो तू इस तरीके से बैठता तो तेरे को तकलीफ तो होती होगी ना? जोर से बोल। तकलीफ होती है, हाथ पैरों में दर्द होता है, ठीक है? तेरे को जबरदस्ती भीख मंगवाई जाती तेरे से, है ना? तू सच्ची अच्छी बता, तेरे से जबरदस्ती मंगवाई जाती भीख? तू भी बता, मुंह से बोल क्या? मैं लाल मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज के साथ हाजिर हूंगा, जब तक के लिए नमस्कार।